الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير جزء ثالث درس نمبر 16 की कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन पोर्शन जो है उसको हमने कल कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तमरीन पे आ रहे हैं। तमरीन में पहली जो तीन क्वेश्चन है कि किबला जो है मान लिया जी कबला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको चूमा था वगैरह, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप इनको खुद करेंगे। लेकिन हम ये जो यहाँ आपको इस लेसन में ग्रामर सिखा रहा है उसमें से एक पहले पॉइंट पर आएंगे। आप जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या ये मतलब ये किताब ये जो है ऑथर जो है ये क्या कहना चाहता है और ये क्या आपको समझाना चाहता है। अल फेलो इम्मा सुलासियुन व इम्मा रुबाईयुन। किसी के इससे एयरफोन से आ रहे हैं, बहुत ये साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है, जरा इसको फिक्स करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फेलो इम्मा सुलासियुन, फेल या तो सुलासी होता है व इम्मा रुबाईयुन या रुबाई होता है। सुलासी मीन्स तीन, रुबाई मीन्स चार, ठीक है। सुलासी तीन से निकला है, रुबाई चार से निकला है। सुलासी की डेफिनेशन क्या है वो नीचे आ रही है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ऊपर। पर सुलासी हो तो सुलासी क्या है, मा कान फीहि जिसमें हो सलासतु अहरुफिन असलियतन तीन असली हरफ, जिसमें तीन असली हरफ हो वो सुलासी कहलाएगा। नाउ जैसे दखला इसमें दाल खा और लाम तीनों असली हैं, कताबा इसमें काफ ता और बा तीनों असली हैं, शरीबा इसमें भी तीनों असली हैं, फिर है वरुबाईयो और दूसरी किस्म क्या है रुबाई। मा कान फी रुबाई वो है, मा कान फी जिसमें हो अरबातु अहरुफिन असलिया चार असली हरफ हो। कितने असली हरफ हो, चार असली हरफ हो, हाँ चार असली हरफ हो। नाउ जैसे तरजमा तराजीमी हो गए चार, तो ये चारों इसमें असली हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इसको बोलेंगे फ़ालुन रुबाईयुन, फ़ालुन रुबाईयुन। क्या बोलेंगे जरा प्रोनाउंस करो, पढ़ो फ़ालुन रुबाईयुन, फ़ालुन रुबाईयुन, फिर से पढ़ो फ़ालुन रुबाईयुन। बहुत अच्छा, अगर इल्फ़लाम लगाएं तो लगाएंगे तो पढ़ेंगे अल फ़ालु अर रुबाईयु, अल फ़ालु अर रुबाईयु मीन्स वो फ़ाल जिसमें असली हरफ कितने हो, चार चार। जैसे तर्जमा, तर्जमा मीन्स उसने तर्जमा किया, ही ट्रांसलेटेड, तर्जमा ही ट्रांसलेटेड उसने ट्रांसलेशन किया। दूसरा है हर वाला, हर वाला यहाँ जो वाव दिख रहा है ये अपना है, ये इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। हर वाला, हर वाला मीन्स असरा उसने जल्दी की, क्या आप किसी को कहते हैं जल्दी करो जल्दी, हर विल, हर विल, हर वाला उसने जल्दी की। बसमला, बसमला बासीन मीमला, बसमला मीन्स उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बसमला मीन्स उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा। चारों इसमें जो है हरूफ है असली हरूफ, बा भी सीन भी मीम भी लाम, तो सुलासी वो है जिसमें असली हरूफ कितने हो, तीन हरूफ, तीन, और रुबाई वो जिसमें असली हरूफ कितने हो, चार चार। बहुत अच्छा, वकुल्लुन मिन्हा और इन दोनों में से, वकुल्लुन मिन्हा इन दोनों में से क्या है, इम्मा मुजर्रदुन या तो मुजर्रद होता है व इम्मा मजीदुन या मजीद होता है, यानी वह इम्मा मजीदुन थी है? यानी इनमें से तो इन दोनों में सुलासी और रुबाई दो किस्म जो है, इनमें से हर एक फेल जो है या तो फेल सुलासी मिसाल ये मुजर्रद होगा या उसमें कोई लेटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं हम मजीदुन फी है। क्या बोलते हैं,
मजीदुन फीह शबाश। तो हम कहेंगे सुलासी मुजर्रद मीन जिसमें अपने और तीन हो बस एक्स्ट्रा कोई नहीं, सुलासी मजीदुन फी मीन जिसमें अपने तीन हरूफ के बाद कोई हरफ एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ हो एक या दो या तीन। इसी तरह रुबाई वो जिसमें कोई हरफ एक्स्ट्रा नहीं ऐड हुआ हो, अपने हरूफ चारों, क्या चारों के चारों अपने हरूफ हों। वह इम्मा मजीदुन, और रहा रुबाई मजीद तो वो जो जिसमें फोर प्लस वन या टू जो कैटेगरी आएगी हमें आगे आप देखेंगे। फल मुजर्रद, तो मुजर्रद क्या है, मा कान जमीउ अहरूफिही असलियतन, जिसके सारे हरूफ क्या हो, असली हो, असली हो, बहुत अच्छा। वल मजीद, और मजीद क्या है, मजीद फीही ज्यादा, उसने ज्यादा किया, जीदा उसमें ज्यादा की गया, किया गया उसमें ज्यादा किया गया, गया। मल मजीद, मजीद वो है मजीद फी जिसमें ज्यादा किया गया हो, जिसमें एक्स्ट्रा डाला गया हो, क्या हरफ, एक हरफ अब अक्सर हो या ज्यादा, एक से ज्यादा, अला अहरूफी अल असलियति अपने असल हरूफ पर। यानी अगर सुलासी हो तो हम कहेंगे थ्री प्लस कैटेगरी, थ्री प्लस वन या टू या थ्री आता है। इसी तरह रुबाई हो तो रुबाई में हम देखेंगे कि भाई क्या आता है, फोर प्लस वन आता है या फोर प्लस टू आता है या क्या आएगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी सर। तो मुझे मजीद फी समझ आ गया, जी सर, जी सर, बहुत अच्छा सर। हाँ, ये आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी रिपीट हो रहा है। अल फ़ेलु असुलासियो अल मुजर्रदो, अब फ़ेल सुलासी मुजर्रद पे पहले आएंगे, क्योंकि जब आपको फ़ेल पढ़ना होता है तो आप पहले यही किस्म पढ़ते हैं, फ़ेल सुलासियुन मुजर्रदुन या अल फ़ेलु असुलासियो अल मुजर्रदो। कहते हैं लहू, इसके हैं सित्तत अबवाब, कितने बाब हैं इसके, छह अबवाब, छह अबवाब, ये आपने पढ़े है ना, जी सर। यानी आज फैली सुलासी मजीद फी जो है, ये सॉरी फैली सुलासी मुजर्रद जो है वो छह पैटर्न्स पे आता है, छह अबवाब हैं इसके, वही है और वो ये है। नंबर एक फाला यफ़ुलु, यानी ऐन कलमा पर माजी में जबर लेकिन यहाँ मुदारा में पेश, फाला यफ़ुलु नहु जैसे कतबा यकतुबु, या इसको आप लिखते हैं बाब नसरा से, नसरा यनसुरु, नसरा यनसुरु, एक 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 पैटर्न, एक एक बाब तो ये है। दूसरा बाब फ़अला यफ़इलु, माजी में जबर एन के ऊपर लेकिन मुजारा में ज़े, जैसे जलसा यजलिसु, जलसा यजलिसु, आप इसको जनरली लिखते हैं ज़रबा यज़रिबु, यानी मीम बाब ज़रबा से है, ज़रबा यज़रिबु, रिबु है ना, जी सर, समझ आया। चलिए तीसरा पढ़िए इसका, फ़अला यफ़अलु, ऐन कलमा के ऊपर माजी में भी और मुदारा में भी दोनों जगह क्या है, जबर है, फ़अला यफ़अलु नहु जैसे ज़हबा यज़हबु, आपने पढ़ा है फ़ताह यफ़्ताहु, मीम बाबी फ़ताह या मीम बाबी ज़हबा है, बहुत ज़हबा है, शबाश। नंबर फोर फ़ाइला यफ़अलु, एन के नीचे मादी में ज़ेर और मुदारा में ज़बर, ना हो जैसे शरीबा यशराबु, शरीबा यशराबु, इसको आप जनरली जानते हैं मिम बाबी समिया, समिया यस्माउ, समिया यस्माउ, बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पांचवें पे आइए, फ़ाउला यफ़उलु, यानी एन के ऊपर दोनों जगह पेश पेश है, जैसे कासूरा यकसूरु, कसूरा यकसूरु मीन्स बहुत होना, जैसे आपने पीछे लेसन में पढ़ा कसूरा गिया आपका या हामिद हाजिल अयाम, इन दोनों में आपकी एब्सेंटी जो है बहुत बढ़ गई है, कसूरा यकसूरु बहुत बढ़ना, यानी बढ़ना कसरत से होना। फ़ऊला यफ़उलु, इसको आप पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया जब आपको तो वहां पढ़ाया मैंने करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु, शबाश। नंबर लास्ट है फ़ाइला यफ़इलु, फ़ाइला यफ़इलु, ऐन के नीचे दोनों जगह ज़ेर ज़ेर है, जैसे एक मिसाल फेल है वरिसा यरिसु, वरिसा यरिसु, मुजाहरे में यहाँ
वाव ड्रॉप हो गए हैं, क्योंकि मिसाल फेल जो है उसकी वाव मुजाहरा में ड्रॉप होती है, जैसे आपने पढ़ा है वजदा यजिदु वज़अ यज़अ, ठीक है जी सर। तो यहाँ भी आ गया वरीसा यरीसु, लेकिन रॉ के नीचे यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह जेर जेर है। ये आपने पढ़ा है ना, छह से गे हैं ये, कितने सॉरी छह बाब है, छह बाब, ये कितने बाब हैं? छह बाब। अब इसी के मुतालिक आपको क्वेश्चन है, मैयज अल-फ़िल अस-सुलासिया मिन अल-फ़िल अर-रुबाई फी मा यली, नीचे जो आ रहा है उसमें जरा फेल सुलासी को फेल रुबाई से अलग करके दिखाओ कहाँ है। नंबर वन हाफिजा, क्या है ये? सुलासी। सुलासी बहुत फेल अच्छा सुलासी। बहुत अच्छा, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी खामोश क्यों बैठे हैं? सलाम नाम सुलासी तारुजमा रुबाई रुबाई बहुत अच्छा, خرج سلاسي سلاسي بہت اچھا, ہر والا رباعی رباعی بہت اچھا, بعثر رباعی رباعی, بعثر کے معنی کیا ہے؟ بعثر means بکھیر دینا, to scatter, to scatter scatter. دعا یہ کون سا فعل ہے؟ सुलासी ये सुलासी है। तो ये थे कुछ अफ़ाल जिसमें आपको क्या, जिसमें आपको सुलासी और रुबाई फ़ैल को पहचानना था। अब इसी पैटर्न पर दूसरा फ़ैल देखिए, क्या था है, मैयज अल फ़ैल अस सुलासिया अल मुजर्रदा, अब फ़ैल सुलासी मुजर्रद को अलग करके दिखाओ कहाँ से, मेन अल फ़ैल सुलासी अल मजीद फी हो फी मायादी, जो फ़ैल सुलासी मजीद फी जो है यहाँ नीचे इसमें मैंने मिक्स करके लिखे उनको अलग अलग करके दिखाओ, सुलासी का मुजरद कहाँ है, सुलासी मजीद फी कहाँ है, समझ रहे है ना क्वेश्चन, समझ रहे है ना जी सर? जी सर। चलिए बहुत अच्छा, सद्दका सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी बहुत अच्छा, क़रा सलासी मुजरद, सलासी मुजरद, शबाश। आप सारे लोग अपने इसको ये ऑन कीजिए, ये म्यूट जो कर रखे हैं ना आप सारे लोग इसको ऑन कीजिए ताकि आप मेरी आवाज सुने और मैं आपकी आवाज सुन सकूं। हाँ अथर, हेलो सर मैंने किया है। फतह है, ये कौन सा फ़ैल है? सलासी मुजर्रद बहुत अच्छा, असलमा सलासी मजीद फी बहुत अच्छा, सलासी मजीद फी, तकब्बला सलासी मजीद फी, सलासी सलासी मजीद फी बहुत अच्छा, सलासी मजीद फी शबाश। ये तकब्बला जो है यहाँ तजदीद लिख रहा है किस पर, कौफ पर, लेकिन होनी चाहिए बा पर, तकब्बला तकब्बला ये बा पर होनी चाहिए। समिया सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद, इस्तक़बला सलासी मुजीद थी बहुत अच्छा, कवा सलासी मुजर्रद बहुत अच्छा, वाकफा सलासी मुजर्रद, इश्तरा सलासी मुजीद थी, सलासी मुजीद थी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है, कहता है मिन अबवाब الفعل الثلاثي المزيد, فعل الثلاثي مزيد فيه जो है उसमें से उसके बाबों में से एक बाब कौन है, बाब فعل, فعل ये बाब فعل है, زيد فيه حرف واحد, इसमें कितने حرف एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, एक حرف, एक حرف एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, وهو और वो क्या है, العين المكررة, आयन को डबल कर दिया गया यानी आयन के ऊपर तजदीद लगा दी गई, फ़ाला इज इक्वल टू फा जबर फा, आयन जबर आ, लाम जबर ला, फ़ाला, लेकिन जब इसको ये किया गया आयन को डबल किया गया ये बन गया फ़ाला, फ़ाइन जबर फ़ा, फिर आयन जबर आ, फिर लाम जबर ला, फ़ाला
दो एन कर दिए गए, ठीक है जी सर। तअम्मल अल अम्सला अल आतिया, आने वाली मिसालों पे गौर करो। लिबाबी फअला, बाबी फअला के, यानी हम उस तरह कहते हैं बाबी तफ़ईल, किसने लिखा है यहाँ लिबाबी फअला, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए समझने में। सुम्मक्तुब अल मुजारा, फिर मुजारा लिखो। वल अम्रा, और अम्र लिखो। वल मजदरा, और मजदर लिखो। मिन अल अफाल अल्लती तलीहा, उन अफाल का जो उसके नीचे लिखे गए हैं। आप समझ रहे हैं आप? जी सर। चलिए, सल्लमा सल्लमा, युसल्लिमो युसल्लिमो, सल्लमा युसल्लिमो, सल्लिम सल्लिम, पहले अमर सल्लिम। यहां सिर्फ इस या को खत्म किया गया और मीम को साकिन बनाया गया, बन गया अमर सल्लिम, और मजदर बन गया, मस्तर है इसका तस्लीमुन, मजदर क्या है तस्लीमुन, ठीक है सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमुन। ये सल्लमा का जब मुजाहरा बनाया गया, इसके हर्फ मुजाहरा पर पेश लगाया गया युसल्लिमु, यु यु, अदरवाइज आपने ऊपर जो अफाल पढ़े वहां था हर जगह यफअलु यफइलु यफउलु, या के ऊपर जबर थी। यानी आप जब मुजारा बनाते हैं तो आप अलामती मुजारा जो है ये हर्फ मुजारा, या हो ता हो अलिफ हो नून हो, तो आप इसके ऊपर जबर लगाते हैं। आप कहते हैं या फालो ता फालो आ फालो ना फालो, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां इस या के ऊपर पेश है। इसको नोट करो, ये क्यों है लिखो। ये इसलिए है कि जो भी फेल चार हरफी होगा, कितने हरफी, चार हरफी, चार हरफी, चाहे वो रुबाई में हो या सुलासी मजीदी में हो, जो भी फेल चार हरफी हो, जैसे यहां भी बन गया सल्लमा, सीन एक, दो लाम हो गए तीन, और मीम एक हो गए चार, तो ये चार हरफी फेल है ना जी सर। ये नहीं बता रहा हूं कि मजीद भी हो या मुजर्रद हो, सुलासी हो या रुबाई हो, नहीं, मैं सिर्फ ये होना चाहिए, बस चार हरफी होना चाहिए। जो जो फेल चार हरफी होगा उसका उसका हरफ मुजाहरा जो होगा फेल मुजाहरा में, वो पेश वाला होगा जी सर। वो क्या होगा, पेश वाला, यानी आपने लिखा जी सर, शाबाश। इसका मतलब यह हुआ कि 3+1 कैटेगरी में आप कितने फेल पढ़ते हैं, तीन फेल, तीन फेल, क्या क्या, तीन तीन तीन, क्या क्या, फ़अला, एक तो फ़अला जैसे यहाँ है, शाबाश, दूसरा अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला, शाबाश हो गए, दो, तीसरा, तीसरा फ़अला युफ़इलु, फ़ाला, बहुत अच्छा, हो गए तीन, यानी तीन बाब पढ़ रहे हैं आप जिसमें हम सिर्फ एक हर्फ ऐड करते हैं। तो ये तीनों जो है इनमें आप देखेंगे तो हर्फ मुजाहरा पेश वाला पढ़ा जाएगा, कहाँ, फेल मुजाहरा जब आप बनाएंगे, जैसे अफ़अला युफ़इलु या के ऊपर पेश, सल्लमा युसल्लिमु यहाँ भी या के ऊपर पेश, फ़ाला युफ़इलु युफ़इलु यहाँ भी आके ऊपर पेश। इसी तरह आप जब चार हरफी कोई फेल, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा रुबाई, वो है जो जिसके अपने चार हरफ असली हो, इतना पढ़ा ना जी सर, तो वहां आपने एक फेल पढ़ा तर्जमा, तर्जमा, मैंने माना बताया तर्जमा मीन्स उसने ट्रांसलेशन किया, उसने तर्जमा किया। जब आप तर्जमा का मुजाहरा बनाएंगे तो आप यहाँ या को पेश लगाएंगे, यु तर्जिमो यु तर्जिमो, तर्जमा यु तर्जिमो। इसी तरह बसर यु बसिरो, इसी तरह हर वल यु हर विलो। तो जो भी फैल चार हरफी होगा मुजाहरा में, उसके हरफ मुजाहरा पर क्या लगाया जाएगा, पेश लगाया जाएगा, जम्मा, जम्मा लगाया जाएगा। ये याद रह गया जी सर। चलिए भाई,
तो अब आप याद रखेंगे ये बाब जो आप पढ़ रहे हैं जिसको इसने लिखा है किताब वाले ने लिखा है फाला बाब फाला इसका मजदर किस किस पैटर्न पर आता है तफ़ील उनके वजन पर शाबाश बहुत अच्छा तफ़ील उनके वजन पर तो यहाँ बन गया सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन तस्लीमुन तस्लीमुन ओके तस्लीमुन अब इसी तरह दूसरा देखे कब्बला अच्छा एक पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा मैं जब आपको इस फेल का यानी ये फेल सुलासी मजीदुन फी ही जो है इसमें पहला हर्फ जो है ये पहला ये जो है ये बाब जो आप पढ़ रहे हैं आज बाबी तफ़ील या बाबी फ़ाला जब आप इसकी क्या करेंगे जब आप इसकी इसका फेले अमर बनाएंगे जैसे यहाँ है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आप अमर बनाते वक्त क्या करेंगे पहला काम जो आप करते हैं आप हरफ़ मुजाहरा से अमर बनाते हैं ना आप मुजाहरा से अलामत मुजाहरा काट लेंगे जब आपने अलामत मुजाहरा काट ली तो पहला लेटर जो बचेगा यहाँ फॉर एग्जांपल ये सीन है मैं यहाँ इस तरह इसको ये करूँगा हाईलाइट इस तरह सॉरी यहाँ देखिए पहला हरफ बच गया सीन सीन अब बताइए मुझे सीन मुतहरिक है या साकिन मुतहरिक सर मुतहरिक हरकत वाला है ना जी सर तो जो हरकत वाला होगा उसको अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है तो हमजतुल वसल नहीं लगेगा यहाँ मसला खत्म हमजतुल वसल नहीं लगेगा क्योंकि हमजतुल वसल तब लगाते हैं हम अमर में जब जब फेल माजी से अलामती मुजाहरा या हरफी मुजाहरा काट कर पहला लेटर बचेगा जो साकिन होगा यहाँ साकिन नहीं है यहाँ साकिन तो जब साकिन नहीं है तो हम हमजतुल वसल नहीं लगाएंगे तो इसने सीन डायरेक्ट लिखा सल्ला ये बन ये था युसल्लिमो युसल्लिमो दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है पहले अमर लास्ट पे साकिन होता है आखिर पर तो इसने मीम को साकिन कर दिया ये बन गया सल्लिम क्या बन गया सल्लिम सल्लिम इसी तरह यहाँ आइए इसके नीचे कब्बला युकब्बिलो कब्बिल कब्बिल कब्बला युकब्बिलो कब्बिल शाबाश रिपीट कीजिए ताकि आपकी जबान पर चढ़ जाए कब्बला युकब्बिलो कब्बिल कब्बिल शाबाश कब्बला युकब्बिलो कब्बिल बहुत अच्छा कब्बला हमने कल पढ़ा कब्बला मीन चूमना तो किस इसका मजदर आएगा तकबील अब यहाँ नीचे देखिए सब्बह युसब्बिहु तो क्या है वो पहला कलमा जो सूरह इसमें है सूरह आला में पहले अमर है मीन बाबी तफ़ील तफ़ील बहुत अच्छा मीन बाबी तफ़ील है और इसका माजी मुजारा क्या होगा सब्बह युसब्बिहु सब्बिह बहुत अच्छा कभी कभी सूरह के आगाज में आता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व कभी कभी आता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व ठीक है ना ये तीनों कुरान पाक में इस्तेमाल हुए तीनों और तस्बीह भी आया है जहां आया है कि परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं वलाकिन ला तफहमून शायद आता है शायद है आयत का एक ही शायद वलाकिन ला तफहमून तस्बीहहुम आप उनकी तस्बीह नहीं समझते हैं परिंदे चरिंदे ये सारी जो कायनात हैं इसमें वो सारे अल्लाह की तस्बीह करते हैं अच्छा मुझे अब यह बताइए माने के एतबार से पूछ तस्बीह करना किसको बोलेंगे सब्बह युसब्बिहु जिक्र करना हाँ जिक्र का अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे सुभानअल्लाह कहेंगे अल्लाह अकबर वगैरह उसको कब्बरा भी कहते हैं चलिए अब है यहाँ कब्बरा ये फेले माजी है इसका मुजारा क्या बनेगा युकब्बिरु बहुत अच्छा अमर क्या बनेगा कब्बिर बहुत अच्छा और मजदर क्या बनेगा तकबीरुन तकबीरुन बहुत अच्छा अच्छा कब्बरा युकब्बिरु के क्या माने हैं बड़ा अल्लाह अकबर कहना
तकबीर पढ़ना अल्लाह अकबर है ना जी सर है ना पीछे आपने पढ़ा है ना कबीर यानी पहले अवलन तो कबीर हो आप तकबीर पढ़ेंगे यानी अल्लाह अकबर कहेंगे वगैरह वगैरह अल्लामा ये पहले मादी है इसका मुजारा क्या बनेगा यु अल्लिमो शाबाश अमर क्या बनेगा अल्लिम अल्लिम और मजदर क्या बनेगा तालीम यानी पढ़ाना बहुत अच्छा वज़हा शाबाश माजिब मुजारा बनाइए युवज़िहु बहुत अच्छा अमर वज़िह क्या वज़िह शाबाश और मजदर क्या बनेगा तौज़ीहुन बहुत अच्छा माशाल्लाह वज़ह युवज़ तौज़ीहुन मीन्स वाज़ह करना बहुत अच्छा वाज़ह करना एक्सप्लेन करना है शाबाश वज़ा इसका मुस्तक़बिल ये मुज़ारे क्या बनेगा युवज़ीओ और अमर वज़ी बहुत अच्छा पहला कलमा जो आपने पढ़ा वज़ी हाज़ी नुसखा अलल अलत तलबाती ये आपने इस लेसन में पढ़ा था ना वज़ी हाज़ी नुसखा अलत तलबाती शायद ऐसा ही पढ़ा था आपने कुछ हाँ वज़ी हाज़ी नुसखा अलत तलबाती अच्छा वज़ा युवज़ी किसको बोलते हैं क्या माने हैं इसकी बना वजा करना बनाना ना टू डिस्ट्रीब्यूट वो तो है वाव ज़ोर एन वो तो है वाव ज़ोर एन वाज़ो एन वज़ा युवज़ टू डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना वज़ी मैंने कहा ना जब तक आप फेलों को याद नहीं करोगे इन अल्फाज को इन कलमात को इन सेंटेंस को याद नहीं करोगे अब आगे बढ़ना कोई फायदा ही नहीं होगा उनको ज्यादा से ज्यादा याद जितने फैल आप आज पढ़ते हैं जितने कलमात नए सीख रहे हैं उनको याद कीजिए इसकी एक डिक्शनरी बनाइए आज क्या हमने नए कलमात सीखे वज़अ युवज़िउ तौज़ीअन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम करना इसका मजदर आएगा तौज़ीउन माशाल्लाह फिर है सज्जला युसज्जिलु सज्जिल और मजदर तस्जीलुन बहुत अच्छा अब आइए अब लास्ट पे इसने चार फेल दिए हैं हन्ना इसके आखिर में हमजा है हन्ना इसका मुजारा क्या बनेगा युहन्निउ जैसे आपने पहला सेंटेंस इस लेसन में पढ़ा था या अब्दुस्सलाम उहन्निओ का बेफौजे का वगैरह वगैरह हन्ना युहन्निओ और अमर क्या बनेगा हन्नि और मजदर इसने लिखा है मजदर इसका आएगा तहनी अतुन के वजन पर तहनी अतुन क्या आएगा मजदर तहनी अतुन हाँ तहनी अतुन क्योंकि आखिर में हमजा पर खत्म हो रहा है ना तो इसका पैटर्न ये है इसका मजदर आएगा तहनियातुन के बाद अभी हम आगे पढ़ रहे हैं फिर दूसरा है सम्मा युसम्मी शाबाश पढ़ो सम्मे अमर आएगा सम्मे या कैंसिल हो जाएगी आपने पढ़ा ना वहां नाकिस में जब नाकिस को जज़्म वाला बनाना पड़ता है तो उसकी आखिरी हर्फ जो है कैंसिल हो जाता है सम्मे और इसका मजदर आएगा तस्मियतुन सम्मा युसम्मी के माने क्या है टू नेम समन एक शायर कहता है सम्मैतुहु यहया लियहया कहता है कि मैंने अपने बच्चे का नाम यहया रखा था ताकि वो जिंदा रहे मगर वो बच्चा फिर उसका फौत हो गया फिर कहता है वलाकिन सम्मैतु यहया लियहया वलाकिन लम यकुन
मुझे याद नहीं आएगा इस वक्त समय तो यहया लियाया लेकिनहु मैं कल इंशाल्लाह ये शेर आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह है तो मैंने अपने बच्चे का नाम यहया रखा था ताकि वो जिंदा रहे यहया समयतु यहया लि यहया ताकि वो जिंदा रहे है यहया पहला इसम है दूसरा यहया इसका जो है फ़ाइल माजी है बहरहाल तीसरा तीसरे पे आइए हय्या मुदारा क्या बनेगा यु हय्या इसमें तीन या एक ऐड हो गए लास्ट में हय्या यु हय्यी वो जब अमर बनाएंगे तो लास्ट या कैंसिल हो जाएगी ये बनेगा हय्ये क्या बनेगा हय्ये और मजदर बनेगा तहियतुन तहियतुन कहते हैं सलाम जैसे आपने कई जगह आज तक पढ़ा है बाद तहियत यानी सलाम के बाद तो बाद तहियत क्या है बाद तहियत तहियतुन क्या है फिर ये मजदर 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 ये मजदर है शाबाश कहता है असलुहा तहियत तहियतुन तहियतुन यानी ऊपर जो आपने ये पढ़ा ना तस्मियतुन इसलिए यहाँ कहता है तहियतुन एक पहली या के नीचे जेर है दूसरी या के ऊपर जबर है लेकिन दो या जमा हो गए तो इन दो को मिक्स करके ला इसके ऊपर जबर दी गई और हा जो साकिन थी इसको ये इस या की जेर दी गई ये बन गया तहियतुन क्या बन गया तहियतुन 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 अब तीसरा फेल चौथा फेल देखिए रब्बा शाबाश अमर रब्बी यहाँ ख्याल रखना है अगर आप बा को तजदीद वाला नहीं पढ़ेंगे तो बनेगा रब्बी 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 मीन मेरे रब रब्बी जिदनी इल्मा मेरे रब मुझे ज्यादा से ज्यादा ये दे इल्म दे लेकिन ये पढ़ना है रब्बी 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 यानी आप किसी को हुक्म दे रहे हैं इसकी तरबियत करो इसको नरिश करो रब्बी और अमर क्या बनेगा रब्बी तरबियतन बहुत अच्छा तरबियतन जैसे ऊपर तहनियतन मजदर तस्मियतन तहियतन इसी बने इस तरह बनेगा तरबियतन फिर कहता है मजदर बाब फाला कहता है बाब फाला जो है इसका मजदर आता है जनरली किस पर तफ़ील उनके वजन पर लेकिन हाँ तफ़ील ये तो जनरल है ना जो आपने पढ़ा है लेकिन वयाती अला वजन तफ़ीलतिन लेकिन ये किस वजन पर आता है तफ़ीलतिन के वजन पर ये देखिए यहाँ तफ़ी तेफ़े एन यहाँ भी है यहाँ भी तेफ़े एन है फिर एक एन और लाम के दरमियान या थी अब वो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ लाम के बाद कुछ नहीं था यहाँ लाम के बाद गोलता है तफ़ी यहाँ तफ़ी फिर यहाँ था लुन यहाँ है लतुन तफ़ीलुन तफ़ीलतुन कब आता है यह आती अला वज़्न तफ़ीलतुन ये तफ़ीलतुन के वज़न पर आता है कब इज़ा काना अल-फ़िल नाकिसन अगर फ़िल नाकिस हो जैसे यहाँ रब्बा हय्या सम्मा ये नाकिस है ना आओ या महमूज़ अल-लाम या अगर महमूज़ अल-लाम हो जैसे यहाँ हन्ना अगर महमूज अल्लाम हो यानी लाम कलमा हमजा वाला है लाम कलमा हमजा है अगर इस तरह हो तो फिर इन 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 अफाल का फेल जो होता है ये मजदर जो है वो तफ़ीलतुन के वजन पर आएगा किस वजन पर आएगा तफ़ीलतुन तफ़ीलतुन के वजन पर आएगा हाँ ये समझ आया ना जी सर यानी आप याद रखेंगे कि मीम बाब ये फेल मजदर मजदर जो है फ़ाला जो है उसका मजदर आता है तफ़ील के वजन पर लेकिन अगर ये फ़ाला जो है फेल नाकिस हो या महमूज़ुल्लाम हो तो तफ़ीलतुन के वजन पर आएगा किस वजन पर आएगा तफ़ीलतुन के वजन पर आएगा शाबाश तो इसको आप याद रखें हमारा टाइम भी इसी से खत्म हो रहा है हम आज हमारा लेक्चर हमारा जो है आज का दर्स जो है यही खत्म हो जाएगा कल इंशाल्लाह मुस्तान आप इस्मुल फ़ाइल इस्मुल मफ़ूल के बारे में सीखेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि